हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। हम डिस्कशन कर रहे हैं बीए बीएड सिक्स सेमेस्टर की पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज इस सब्जेक्ट में हम इवेल्युएशन इन इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएंगे। तो फॉर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेल्युएशन इन एजुकेशन, नीड और पर्पज ऑफ एवेल्युएशन, फोर आस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल एवेल्युएशन, मैकेनिज्म ऑफ एवेल्युएशन और एवेल्युएशन प्रोसीजर, टोटल स्कीम ऑफ एवेल्युएशन, ये आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ पॉइंट इज मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एवेल्युएशन इन एजुकेशन। द कंसेप्ट ऑफ एवेल्युएशन इन एजुकेशन एम्पायर्स ए चेकिंग और असेसमेंट ऑफ व्हाट गोज ऑन इन ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द मैनी साइडेड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है लाइक स्कूल कॉलेज, इनमें स्टूडेंट्स को कितना पढ़ाया जा रहा है, कितना नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो असेसमेंट किया जाएगा सब, और उसमें देखा जाएगा कि स्टूडेंट्स के जो मैनी साइडेड डेवलपमेंट होता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबका एवेल्युएशन किया जाता है। दिस इज डन सो दैट एक्चुअल फैक्ट्स फॉर ए सिचुएशन मे बी असर्टेन एंड रेमेडियल एक्शन टेकन वेयर नेसेसरी। जब कोई रेमेडियल एक्शन सिचुएशन देखी जाती है कि हमें ये सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है, एक्चुअल फैक्ट्स देखे जाते हैं, तो रेमेडियल एक्शंस लिए जाते हैं कि जो नेसेसरी होते हैं कि ये जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आ रही है एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में या स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट्स, उन सबको हटाने के लिए, दूर करने के लिए रेमेडियल एक्शंस लिए जाएंगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। सिंस डिटेल्स एनालिसिस हेल्प इज आइसोलेट द फैक्टर्स विच मे कॉन्ट्रीब्यूट टू द malfunctioning of the whole educational system. Evaluation used especially for this purpose of correcting an ongoing process rather than only for final product assessment is one of the most important contribution of system thinking to program in education. एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है सिस्टम थिंकिंग में, ये प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन में ये सोचने तरीका है एवेल्युएशन का, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवाता है एजुकेशन प्रोसेस में। अब डेफिनेशंस की बात करें, द फॉलोइंग डेफिनेशंस थ्रो ए लॉट ऑफ लाइट ऑन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ एवेल्युएशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विल्स एजुकेशन is a process of making judgment that are to be used as a basis for planning. It consists of established goal, collecting evidence and concerning growth or lack of growth toward goals, making judgment about the evidence and revising procedure and goal in the light of judgments. इट इज़ ए प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट द प्रोसेस एंड इवन द गोल्स देमसेल्फ। जो वाइल्स है उन्होंने विलेस इन्होंने कहा है कि जो एवेल्युएशन प्रोसेस है, कलेक्टिंग एविडेंस, एस्टेब्लिशिंग गोल्स, कंसर्निंग ग्रोथ, लैक ऑफ ग्रोथ टूवर्ड्स गोल्स, इन सब के ऊपर एक असेसमेंट है, जजमेंट है, लाइट प्रकाश डालती है जजमेंट ये सारे, ताकि जो स्टूडेंट्स को जो प्रोसीजर है एजुकेशन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उनका स्टूडेंट्स को जो उसको इम्प्रूव करके स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू चेस्टर टी मैकनेरली से दैट द पर्पज ऑफ एनी प्रोग्राम ऑफ एवेल्युएशन इज टू discover the need of individual being evaluated is an important and delicate process, not only from the standpoint of determining the need and growth or programs of individual,
also from the standpoint of what is does to the individual being evaluate. An evaluation cannot adequately to why be made by using a individuals being evaluated and using is an evaluation cannot adequately by be made by using a single checklist. It isolated anecdotal record or a battery of examination. Its complete evaluation will require the use of many techniques. इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल्स पर्सन्स की जो एवेल्यूएशन चीज़ नहीं है ये केवल ना केवल इसमें ये केवल सिंगल चेकलिस्ट नहीं है, इसमें सबका सब एवेल्यूएशन किया जाता है. जो एवेल्यूएशन है पूरी पूरी एक बैटरी ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन की बैटरी है. ए कम्प्लीट एवेल्यूएशन विल रिक्वायर द यूज़ ऑफ मैनी टेक्निक्स. जो कम्प्लीट एवेल्यूएशन करना उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज होगा. थॉमस एच ब्रिज एंड जोसफ जस्टमैन से दैट एवेल्यूएशन इज ए प्रोसेस बाई विच द वैल्यूज ऑफ एन एंटरप्राइज आर असर्टेन्ड. ओके नेक्स्ट इज सेन एंड मैक्सवेन कंसीव एवेल्यूएशन एज ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड अपॉन क्राइटेरिया कोऑपरेटिवली प्रिपेयर्ड एंड कंसर्न विद द स्टडी इंटरप्रिटेशन एंड गाइडेंस ऑफ सोशल डिजायरेबल चेंजेज इन द डेवलपमेंटल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन. इट इज ए प्रोसेस विद इन द चाइल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही रेस्पॉन्स टू द साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ही मेक्स ऑफ हिज स्कूल कम्युनिटी कम्युनिटी इन्वायरमेंट. तो यह सारी चीज़ें हम डिस्कस की. एक और लास्ट डेफिनेशन है, बेस्ट डेफिनेशन बताया गया है इसको. वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एवेल्यूएशन इज गिवन बाय कार्ला एम ब्राउन. एवेल्यूएशन इज इसेंशियल इन द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फॉर्मेटिंग गोल. गोल्स को फॉर्मेटिंग करने की एक साइकिल है जो कभी भी एंड नहीं होती है. मेजरिंग प्रोग्रेस टूवर्ड देम द डिटरमाइन द न्यू गोल पिच में मर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू वार्निंग्स. एवेल्यूएशन इन्वॉल्व मेजरमेंट विच मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव एविडेंस बट इट इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट एंड इम्पल्स द कंसिडरेशन हैव बीन गिवन टू सर्टेन वैल्यू स्टैंडर्ड एंड दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ द एविडेंस हैज बीन मेड इन द लाइट ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन. तो ये हमने डिस्कशन की इवेल्यूएशन की डेफिनेशंस. अब हम डिस्कस करने वाले नीड और पर्पज ऑफ इवेल्यूएशन. ओवरऑल पर्पज ऑफ इवेल्यूएशन आर एज अंडर. फर्स्ट इवेल्यूएशन का पर्पज है इवेल्यूएशन अप्राइसेज द स्टेटस ऑफ एंड चेंज इन पीपल्स बिहेवियर. ओके इवेल्यूएशन डिस्क्लोज पीपल्स नीड एंड पॉसिबिलिटीज. स्टूडेंट्स की नीड एंड पॉसिबिलिटीज़ क्या उनको डिस्क्लोज होते हैं. पीपल्स के बिहेवियर को चेंज कर सकता है इवेल्यूएशन. इवेल्यूएशन एड पीपल्स टीचर प्लानिंग. इवेल्यूएशन में जो टीचर पीपल्स और टीचर की जो प्लानिंग है वो एड्स है इसके. इवेल्यूएशन एक्सपेंड द कंसेप्ट ऑफ वर्थ वाइल गोल्स बियॉन्ड प्योर अचीवमेंट्स. एवेल्यूएशन सर्व एज मीन ऑफ इम्प्रूविंग स्कूल कम्युनिटी रिलेशंस. स्कूल कम्युनिटी जो रिलेशंस है उनको भी इम्प्रूव करते हैं ये. एवेल्यूएशन फेमिलराइज टीचर विद द नेचर ऑफ पीपल लर्निंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस. टीचर को स्टूडेंट्स के नेचर के साथ स्टूडेंट्स के साथ नेचर के साथ लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्रेस कैसे क्या करनी है सबको फेमिलराइज कर देता है. इवेल्यूएशन रिलेट्स मेजरमेंट्स टू द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम. इवेल्यूएशन फैसिलिटेट्स द सिलेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. इवेल्यूएशन अप्रेसाइज द टीचर्स कंपिटेंस. इवेल्यूएशन अप्रेसाइज द सुपरवाइजर कंपिटेंस.
इवेल्युएशन सर्व ए मेथड ए सेल्फ इम्प्रूवमेंट. इवेल्युएशन सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द सेलेक्शन ऑफ सुपरवाइजरी टेक्निक. ये तो हमने अभी डिस्कस किए नीड ऑफ इवेल्युएशन एंड और पर्पज ऑफ इवेल्युएशन, कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज हो जाते हैं, नीड पॉसिबिलिटी पता लगती है स्टूडेंट्स की, टीचर और स्टूडेंट्स की प्लानिंग क्या है, कैसे इवेल्युएट करना है, सब पता लगता है, क्या इवेल्युएट करना है, स्कूल और कम्युनिटी के जो रिलेशन है उनको इम्प्रूव भी करता है ये, एंड नेचर स्टूडेंट्स के नेचर को जानने में हेल्प करता है टीचर को ये, ताकि इस टीचर स्टूडेंट्स के साथ फेमिलराइज हो सके और उनको लर्निंग डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में हेल्प कर सके. ये सारे जो थी वो नीड थे, क्या ज़रूरत है इवेल्युएशन की. अब हम डिस्कस करने वाले फोर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल इवेल्युएशन. स्कीमली द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल इवेल्युएशन मे बी प्रेजेंटेड बाय शोइंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट सब्जेक्ट मैटर लर्निंग एक्टिविटीज एंड इवेल्युएटिंग प्रोसीजर और टेस्टिंग. द इंटर रिलेशन ऑफ दीज फोर एस्पेक्ट्स ऑफ इवेल्युएशन क्लियरली इंडिकेट्स द process of evaluation is a continuous one and involve continual appraisals of objective of the teaching learning process and of the teach testing procedure used by the classroom teacher. Four aspects are objective, second is content, fourth is learning activities and third is learning activities and fourth is evaluative procedure. First objectives में well defined purpose of education. इसमें education के जो purpose है वो well defined होने चाहिए इस तरीके से. Then content curriculum होना चाहिए, syllabus, courses, textbooks content में include है. देन चलते हैं लर्निंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, मेथड्स, एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कशंस, क्वेश्चंस, डिमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा, जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है जिनके थ्रू जो हम सीखते हैं. नेक्स्ट इज इवेल्युएटिव प्रोसीजर. इवेल्युएटिव प्रोसीजर में क्या होगा कि इवेल्युएट किस प्रोसीजर के थ्रू से कर सकते हैं, जैसे ओरल टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, ऑब्जर्वेशन टेस्ट हुआ, अदर्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. इसी तरीके फोर एस्पेक्ट्स थे एजुकेशन प्रोसेस के. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिज्म ऑफ एवेल्युएशन और एवेल्युएशन प्रोसीजर. मैकेनिज्म ऑफ एवेल्युएशन इन द ओवरऑल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ऑल्सो बी एक्सप्लेन एज अंडर. फर्स्ट प्रोसीजर में क्या रहेगा, फॉर्मुलेटिव ऑब्जेक्टिव, कि एवेल्युएशन कर रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस बेस पे एवेल्युएशन करना चाहिए, कि हमें ये चेक करने चाहिए कि एजुकेशन में चीज़ें इम्प्रूव हो रही है कि नहीं चाहिए. स्टूडेंट्स को जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस या एजुकेशन प्रोसेस के, उसके ऑब्जेक्टिव भरपूर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी इसमें. फॉर्मुलेटिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद एनालिसिस लर्निंग टास्क, जो लर्निंग टास्क थे उनको एनालिसिस करेंगे. देन डिजाइन लर्निंग सिस्टम डिजाइन करेंगे, किस सिस्टम के थ्रू उनको जो सिखाया है वो. देन इम्प्लीमेंट एंड एवेल्युएट आउटपुट्स. देन मोडिफाई चेंजेज एंड इम्प्रूव, जो मॉडिफाई अब फिर एवेल्युएट कर लिया आउटपुट्स इम्प्लीमेंट्स को, देन मोडिफाई चेंज इम्प्रूव्स, चेंजेज जो मॉडिफाई कर सकते हैं उनको चेंज कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं. एक प्रोसेस और है डेवलपमेंट टेस्ट के थ्रू, डेवलपमेंट टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद इम्प्लीमेंट एवेल्युएट आउटपुट्स करेंगे, देन मॉडिफाई चेंज और इम्प्रूव कर देंगे. टोटल स्कीम ऑफ एवेल्युएशन इज एवेल्युएशन हैज़ टू वेरी कॉम्प्रहेंसिव इन ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच एम्स एट द मैनी साइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ ए चाइल्ड. टोटल स्कीम ऑफ एवेल्युएशन डिवाइडेड फोर पार्ट, एजुकेशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, एवेल्युएशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड इज इवेल्युएशन ऑफ करेक्टर एंड पर्सनैलिटी, थर्ड इज इवेल्युएशन ऑफ स्कूलिस्टिक अचीवमेंट, एंड फोर्थ इज इवेल्युएशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट. इवेल्युएशन ऑफ स्कूलिस्टिक अचीवमेंट को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, एकेडमिक अचीवमेंट और अचीवमेंट इन स्किल्स. और
एकेडमिक अचीवमेंट्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और डेली वर्क। और रिटन टेस्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसे टेस्ट, न्यू टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ऑब्जेक्टिव टाइप्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिकॉग्निशन टाइप और रिकॉल टाइप। रिकॉग्निशन टाइप्स को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्टरनेटिव, मल्टीपर्पज़, मैचिंग, क्लासिफिकेशन। ये ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स हो सकते हैं, अल्टरनेटिव भी है, मल्टीपर्पज़ है, मैचिंग, क्लासिफिकेशन। ये ऑब्जेक्टिव आपने देखे होंगे ना क्वेश्चंस, अब जब कोई पेपर दिए होंगे आपने कॉम्पिटिशन्स के या कोई भी लाइक, तो उसमें ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टीपर्पज़ आते हैं, मैचिंग वाले भी आते हैं, क्लासीफाइड क्लासिफिकेशन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। रिकॉल टाइप्स में सिंपल रिकॉल और कॉम्प्लिकेशन, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस के पार्ट्स थे। तो आज हमने डिस्कस किया मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेल्यूएशन इन एजुकेशन, नीड एंड पर्पज ऑफ इवेल्यूएशन, फोर आस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल इवेल्यूएशन, एवेल्यूएशन प्रोसीजर, टोटल स्कीम ऑफ एवेल्यूएशन। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट बच्चों।